मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, आप सबको दोपहर का शुभकामनाएं। ओके, आप सबको नमस्कार। इसी के साथ साथ हम भीष्म साहनी जी लिखा हुआ कुन का रिश्ता पिछले दो कक्षा से लगातार सुनते आ रहे हैं। ये कहानी मैं 125 में सगाई डलवाने के बारे में वीर जी बाबूजी की जो बात को याद करके पैसे को बर्बाद नहीं करना ऐसा कहकर उसी को अनुसरण करने के लिए तैयार रहता है। अभी सगाई डलवाने के लिए वो लड़की के घर जाने के लिए बाबूजी के साथ मंगलसेन जाने के लिए बाबूजी हुकुम यानी आदेश देता है। ये आदेश देने वाले विचार को सुनकर वीर जी की जो बहन का नाम है मनोरमा, मनोरमा जो है वो दौड़ के वीर जी को ये विचार को पहुंचाने के लिए जा रही है। यहाँ तक हम कल ये कुन का रिश्ता नामक कहानी को हम समाप्त किए थे। मेरे तरुण तरुणियों, उसके आगे यानी पेज नंबर 163, 1 2 3 4 यानी पांचवा पैराग्राफ से शुरू कर रहा हूँ, इसीलिए आप सभी ध्यान से पाठ्य पुस्तक को खोल के हाथ में एक पेंसिल रख के तैयार रहिए मेरे नव युवक युवतियों। देखिए, मंगल सेन को जब मालूम हुआ कि अकेला वही बाबूजी के साथ जाएगा तो कितनी ही देर तक वह कोठरी में उचकता और चक्कर लगाता रहा। यानी बहुत खुशी हो जाने से हम क्या करते हैं, जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ही इस तरह नाटक यानी नृत्य करना या नाटक करना शुरू करते हैं या गाना वाना शुरू करते हैं ना, उसी तरह बदन का चटांक भर कौन फिर उचलने लगा। जी चाहा कि संतू से उसी वक्त शर्त के 2 रुपए रखवा ले। क्यों ना हो, आखिर मुझसे बड़ा संबंधी है भी कौन, मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे। मैं और बाबूजी ही इस घर के कर्ता धर्ता हैं और कौन है। जितना ही अधिक वह इस बात पर सोचता उतना ही अधिक उसे अपने बड़प्पन पर विश्वास होने लगता। आखिर उसने कोने में रखी ट्रंकी को खोला और कपड़े बदलने लगा। देखिए, वो ट्रंक आजकल के सूटकेस जो कहते हैं ना, वो सूटकेस में रखा हुआ यानी सूटकेस के जैसे जो रहने वाला ट्रंक में रखा हुआ जो कपड़ा को इन्होंने यानी मंगलसेन उसको खोलकर कौन सा पहनूं, मेरा रंग के लिए कौन सा जो सूटेबल होगा, किसको देख यानी खोल के देख रहा है, कौन, मंगलसेन चाचा जाद मंगलसेन कपड़ा बदलने के लिए देख रहा है। घंटा भर बाद जब मंगलसेन तैयार होकर आंगन में आया तो माँ जी का दिल बैठ गया। याने घंटों भर ये तैयार होकर घर के सामने यानी प्रांगण जो रहते हैं ना वहां पर आता है। आते ही माँ जी यानी वीर जी की माँ देखती है, देखते ही उसको क्या कहना समझ में नहीं आता। देखिए क्या होता है, यह सूरत लेकर समधियों के घर जाएगा। मंगलसेन के सिर पर खाकी पगड़ी, नीचे मैली कमीज के ऊपर खाकी फौजी कोट,
जिसके धागे निकल रहे थे और नीचे धारीदार पाजामा और मोटे मोटे काले बूट। देखिए, माँ को रुलाई आ गई, अयो बाप रे, इनको जाने ये जाने से मेरे बेटा को लड़की कैसे देंगे। ऐसा हाँ माँ को रुलाई आ गई, पर यह अवसर रोने का नहीं था। अपनी रुलाई को दबाती हुई वह आगे बढ़ाई, मैं उसका जो अभिनय करके दिखाया, मगर वो माँ रोती नहीं है, मगर उसको बंद करके यानी मन ही मन रख के क्या करती है, ठीक है अभी रोने से ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, उसमें जो भी तब्दीली करना या कराना कराएंगे, वैसा सोचकर वो चुपचाप रहती है या आगे का जो काम में लगती है। मनोरमा जा भाई की अलमारी में से एक धुला पायजामा निकाल ला, फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, सुनते हो जी, अपनी एक पगड़ी इधर भेज देना, मंगलसेन के पास ढंग से पगड़ी नहीं। ऐसा जोर से उनके पति महाशय बाबूजी है ना, बाबूजी को सुनने के जैसे कहती है। मंगलसेन का कायाकल्प होने लगा, कायाकल्प मतलब है टॉप टू बॉटम, पूरा माजी और मनोरमा मिलके उसको बदल रहे हैं। मनोरमा पाजामा ले आई, संतु बूट पॉलिश करने लगा, आंगन के येन बीचों बीच एक कुर्सी पर मंगलसेन को बिठा दिया गया और परिवार के लोग उसके आसपास भाग दौड़ करने लगे। कहीं से मनोरमा की दो सहेलियां आ पहुंची थी, ये भी रेखांकित करके मेरे नव युवक युवतियों, मंगलसेन पहले से भी चोटा लग रहा था, अब तैयार कराने के बाद नंगा सिर दोनों हाथ घुटनों के बीच जोड़े वह आगे की ओर झुककर बैठा था। बार बार उसे रोमांच हो रहा था। देखिए, मुझे क्या करने वाले हैं समझ में ही नहीं आ रहा है करके इनको चुपचाप इस तरह यानी क्या है घुटनों के बीच जोड़े वह आगे की ओर झुक कर बैठा था, इस तरह क्या करने वाले हैं कर दो मुझे वैसा मानकर हाँ, और बार बार उसे रोमांच हो रहा था। देखिए, बार बार मुझे क्या करने वाले हैं माँ जी और मनोरमा और संतु, ये सब मिलकर मुझे क्या करने वाले हैं। मंगलसेन का स्वप्न सचमुच साकार हो उठा। समधियों के घर में उसकी वह आव भगत हुई कि देखते बनता था। मंगलसेन आराम कुर्सी पर बैठा था और पीछे एक आदमी खड़ा पंखा जल रहा था। देखिए, समधि आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे। एक आदमी ने सचमुच झुक कर बड़े आग्रह से कहा, और दूध लाओ चाचा जी, थोड़ा सा और जवाब में मंगलसेन ने कहा, हाँ आधा गिलास ले आओ। समधियों के घर की ऐसी सज दज की मंगलसेन दंग रह गया और उसका सिर हवा में तैरने लगा। आवाज ऊंची करके बोला, लड़की कुछ पढ़े लिखी भी है या नहीं, हमारा बेटा तो MA पास है। जी
आपकी दया से लड़की ने इसी साल बीए पास किया है। घर का काम धंधा भी कुछ जानती है या सारा वक्त किताबें ही पढ़ती रहती है? जी थोड़ा बहुत जानती है। थोड़ा बहुत क्यों? आखिर सगाई डलवाने का वक्त आया। समधि बादामोन से भरे कितने ही ताल लाकर बाबूजी और मंगल सेन के सामने रखने लगे। बाबूजी ने हाथ बांध दिए। मैं तो केवल एक रुपया और चार आने लूंगा। देखिए 125 में ही सगाई डलवाने के लिए वीर जी बाबूजी जो कहे थे उसी को याद करा के भेजा था ना, इसलिए ये सब तो आप रखे हैं, मगर इसमें से मैं सिर्फ केवल 1 रुपया और 4 आने लूंगा। बस मेरा इन चीजों में विश्वास नहीं है। हमें अब पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए। आप सलामत रहे, आपका 125 भी मेरे लिए 125,000 के बराबर है। ऐसा बाबूजी समधियों के घर में बैठ के समधियों के सामने कह रहे हैं। इसीलिए समधि क्या कहते हैं, आपको किस चीज की कमी है लाला जी, पर हमारा दिल रखने के लिए कुछ स्वीकार कर लीजिए। देखिए वो समधि उनके घर में कैसे कहते हैं, और एक बार, आपको किस चीज की कमी है लाला जी, पर हमारा दिल रखने के लिए ही कुछ स्वीकार कर लीजिए। हम आपके घर जब आते हैं तब थोड़ा सा ये भी हमारा घर मानने के जैसे कम से कम थोड़ा आप ले लेना है। बाबूजी मुस्कुराए, नहीं महाराज, आप मुझे मजबूर ना करें, यह वसूल की बात है, यानी हमारे घर के और वीर जी के वसूल की जो बात है। मैं तो 125 ही लेकर जाऊंगा। देखिए इन्होंने बाबूजी कह रहे हैं कि 125 से ज्यादा 1 पैसा भी मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए ये सब हमें नहीं चाहिए। मैं तो 125 ही लेकर जाऊंगा। आपका सितारा बुलंद रहे। आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो साक्षात लक्ष्मी विराजेगी। बस इससे बढ़िया हमें ये सभी चीज की जरूरत हमें नहीं है महाराज। वैसा बाबूजी समधियों के घर में कहता है। मंगलसेन के लिए चुप रहना असंभव हो रहा था। हुमक कर बोला, एक बार कह दो जो दिया जी कि हम 125 ही लेंगे। आप बार बार तंग क्यों करते हो? वैसा मंगलसेन भी एक बार कहता है। बेटी के पिता हंस दिए और पास खड़े अपने किसी संबंधी ने कान में बोले, लड़के के चाचा है, दूर के घर में टिके हुए हैं, लाला जी ने आसरा दे रखा है। वैसा समधियों में से एक आदमी दूसरे को कहता है। आखिर समधि अंदर से एक ताल ले आए जिस पर लाल रंग का रेशमी रुमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रख दिया। बाबूजी ने रुमाल उठाया तो नीचे चांदी के ताल में चांदी की 3 चम्मच हाँ? तो नीचे चांदी के ताल में
चांदी की तीन चमचम करती कटोरियां रखी थी, चमचम करती। एक में केसर, दूसरी में रांगला धागा, तीसरी में एक चमकता चांदी का रुपया और चमकती चवन्नी। ऐसा तीन चांदी के चमचमा ता जो कटोरे में ये रखा हुआ है। देखिए, हाँ, इसको देख के बाबूजी को विस्मय हो रहा है। अरे, हम पूछे थे क्या ये सभी? हम बार बार कह रहे हैं कि एक रुपए चार आना ही लूंगा, फिर भी ये मानते नहीं हैं। आपने आखिर अपनी ही बात की। बाबूजी ने हंसकर कहा, मैं तो केवल सवा रुपया लेने आया था, मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरियों, थाल और चम्मचों का मूल्य आंकने लगे यानी मन ही मन कैलकुलेशन करने लगे। अरे, एक रुपये चार आने होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ऐसा मन ही मन तो सोच रहा है। तब देखो, हाँ, मनोरमा और उसकी सहेलियां छज्जे पर खड़ी थी। जब दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई दिए, मंगलसेन के कंधे पर ताल था, लाल रंग के रुमाल से डंका हुआ, और आगे आगे बाबूजी चले आ रहे थे। वो समधियों के घर से निकलने के बाद मनोरमा देख रही है दोनों मंगलसेन और बाबूजी को। तब वो क्या करती है, देखिए। वीर जी अब भी अपने कमरे में थे और पलंग पर लेटे किसी नावल के पन्नों में अपने मन को लगाने का विफल प्रयास कर रहे थे। उनका माथा थका हुआ था, मगर हृदय धूमिल भावनाओं से उद्वेलित तो होने लगा था। क्या प्रभा मेरे लिए भी कोई संदेश भेजेगी? प्रभा यानी वीर जी, प्रभा के साथ सगाई होने वाली है, इसलिए आप सभी रेखांकित करके रखिए। सवा रुपये में सगाई डलवाने के बारे में वह क्या सोचती होगी? मन ही मन तो जरूर मेरे आदर्शों को सराहती होगी, इन्हें प्रशंसा कर रहे होंगे। मैंने एक गरीब आदमी को अपनी सगाई डलवाने के लिए भेजा, इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है? इस तरह उन्होंने मन ही मन सोच रहा है। कौन? वीर जी। लाख लाख बधाइयां भौजाई जी। घर में कदम रखते ही मंगलसेन ने आवाज लगाई। किसको? माताजी, जो कहते हैं ना माताजी, इनके लिए भौजाई जी, भाभी। इसीलिए मनोरमा और उसकी सहेलियां भागती हुई जंगले पर आ गई, यानी घर से अंदर, यानी एक प्रांगण जो रहते हैं ना, वहां पर मनोरमा और सहेलियां आती हैं। आकर बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए, आंगन में आए और छड़ी कोने में रख कर अपने कमरे में चले गए। सीरियसली, जैसे आता है, आते ही छड़ी कहाँ रखना है रखता है, रख कर उन्होंने अपने कमरे में जाता है। मनोरमा भागती हुई नीचे गई और झपट कर ताल चाचा मंगलसेन के हाथ से छीन लिया। देखिए, वो देने के लिए अभी आ रहा है ऐसा कंधों पर रख के, मगर उतना बहुत जल्दबाजी में है मनोरमा, वो उसमें क्या है देखने के लिए, इसलिए उसको छीनती है। ऐसा छीन कर
कैसी पगली है, 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकते? देखिए, वाह जी वाह, मनोरमा ने हंसकर कहा, बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे हैं। देखो कैसे मजाक कर रही है, लाइए मुझे दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। अभी घर वालों का जो काम है तुम चुपचाप बैठो। ऐसा बात मनोरमा के मुंह से आती है। माँ जी की दोनों बहनें जो इस बीच आ गई थी, माँ जी से गले मिलकर बधाई देने लगी। आवाज सुनकर वीर जी की जंगले पर आ खड़े हुए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे, यानी ऊपर से उन्होंने नीचे देखने लगे। कौन? वीर जी। थाल पर रखे लाल रुमाल को देखते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। देखिए कैसे सपना देखते हैं, कल्पना कर सकते हैं। थाल पर रखे रुमाल को देखते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। सहसा ही वह ससुराल की चीजें से गहरा लगाव महसूस करने लगे। इस रुमाल को जरूर प्रभा ने अपने हाथ से चुआ होगा, उसका मतलब है डायरेक्ट ये चूने से प्रभा का जो हाथ चूने के जैसे। उनका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में लेकर चूम लें, यानी ओके, ये सभी आपको समझ में आता है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा विवरण देने की ज़रूरत नहीं है, है ना मेरे नव युवक युवतियों? ओके, इस भेंट को इस भेंट को देखकर उनका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब होने लगा। जितने जल्दी प्रभा को देख सकता हूँ, यानी उससे मिलकर बातें करना है, वैसा इतना जल्दबाजी अवसर, यानी मन में एक ना एक तरह गुदगुदी के जैसे हो रहा है इनको। बाद में क्या होता है देखिए। माँ जी ने ताल पर से रुमाल उठाया, चमकती कटोरियां, चमकता थाल, बीच में रखे चम्मच, स्पून स्पून। वीर जी को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीजों को करीने से सजा कर रखा होगा। देखिए करीने से, यानी बहुत सिस्टमैटिकली जो कहते हैं ना, उसी तरह ये सोच रहा है। पानी पिलावो संतो, चाचा मंगलसेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठे बैठते हुए टांग के ऊपर टांग रख कर संतु को आवाज लगाई। किस बात की होगी मेरे तरुण तरुणियों, जरा कल्पना करना चाहिए। इतने में माँ जी की याद आई, 3 कटोरियां और 2 चम्मच, यह क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए समधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोले, अजी सुनते हो, तुम भी कैसे हो? आज के दिन भी कोई अंदर जा बैठता है क्या? है बाबूजी ने अंदर से ही पूछा। कुछ बताओ तो सही, समधियों ने क्या कुछ दिया है? बस थाली में जो कुछ है वही दिया, तेरे बेटे ने मना जो कर दिया था वो सब समधियों ने दे के भेजे। क्या 3 कटोरियां थी और 2 चम्मच थे? नहीं तो, चम्मच भी 3 थे। चम्मच तो यहां सिर्फ 2 रखे हैं। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, जरूर 3 होंगे। मंगलसेन से पूछो, वही ताल उठाकर लाया था।
मुझे तो पता नहीं है, उनसे पूछो। मंगलसेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? मंगलसेन संतु को सगाई का ब्यौरा दे रहा था, ब्यौरा यानी विवरण। समधि हमारे सामने हाथ बांधे यों खड़े थे जैसे नौकर हो। लड़की बड़ी सुशील है, बड़ी सलीके वाली बीए पास है, सीना पिरोना भी जानती है, टेलरिंग वर्क। मंगलसेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? कौन सा चम्मच? वही ताल में होगा। मंगलसेन ने लापरवाही से जवाब दिया, ताल में तो नहीं है। तो उन्होंने दो ही चम्मच दिए होंगे। बाबूजी ने ताल लिया था। देखो, ये बात सुनते ही बाबूजी को क्रोध यानी क्रोधित भावना से क्या कहते हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हो मंगलसेन जी, तुम्हारे भाई कह रहे हैं तीन चम्मच थे। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी, इसलिए मेरे साथ गए थे कि चम्मच गवा आओगे? कुछ नहीं तो 5-5 रुपये का एक एक चम्मच होगा, ये गवाने के लिए ही मेरे साथ तुम आए थे क्या? क्या बात, बोलो जरा, तू ही जो लिए थे ना? अब मैं नहीं लिया, बाबूजी ही लेके आए हैं, वैसा कह रहे हैं ना, क्या बात है ये? इस बात का मर्म क्या है? पूछता है। तब देखिए, वहां कहां जाओगे, बताओ चम्मच कहां है? सारा वक्त तो थाल पर रुमाल रखा रहा, कहीं भी जाने के मौका ही नहीं है। देखिए और एक बार, बताओ चम्मच कहाँ है? सारा वक्त तो थाल पर रुमाल रखा रहा, इसलिए कहीं भी नहीं जा सकते। बाबूजी, थाल तो आपने लिया था, आपने चम्मच गिने नहीं थे? देखो, मेरे साथ चालाकी करता है बदजात। बाबूजी को इतना गुस्सा आया, इसलिए मेरे साथ चालाकी की जो बात करते हैं बदजात। बता तीसरा चम्मच कहाँ है? मेरे से गंभीरता के साथ बात करो, मजाक वगैरह जो नहीं करना। माँ जी चम्मच खो जाने पर विचलित हो उठी थी, बहनों की ओर घूम कर बोली, गिनी चुनी तो समधियों ने चीजें दी है, उनमें से भी अगर कुछ खो जाए तो बुरा तो आखिर लगता ही है। किसको? हमको, यानी सगाई में ही इतना बेपरवाह, यानी बेपरवाही से व्यवहार को देखने से संबंधी क्या सोचेंगे हमारे बारे में, क्या हिसाब रखने वाले हैं, ऐसे सोच सकते हैं ना? कैसा डीट आदमी है, यानी बे जिम्मेदारी का आदमी है, सुन रहा है और कुछ बोलता नहीं। बाबूजी ने गरज कर कहा, चम्मच को जाने पर अचानक वीर जी को बेहद गुस्सा आ गया। देखिए, ऊपर से जो देख रहे थे ना, उसको बहुत गुस्सा आ गया। प्रभा ने चम्मच भेजा और वह उन तक पहुंचा ही नहीं, प्रभा के प्रेम की पहली निशानी ही खो गई। वीर जी सहसा आवेश में आ गए। वीर जी ने
आओ देखा ना ताओ। मंगलसेन के पास जाकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर झिंझोड़ दिया। इस तरह दोनों कंधों को पकड़ के, क्या किया चाचा जी, क्या किया, बोलो बोलो, वैसा उन्होंने इतना गुस्से से कह रहे हैं। हाँ, तब देखो मंगलसेन, आपको इसलिए भेजा था कि आप चीजें गंवाएं। सभी चुप हो गए। सकता सा छा गया पूरा का पूरा घर में, यानी खुशी का जो वातावरण एकदम बदल गए सन्नाटे में। वीर जी खिन्न से महसूस करने लगे कि मुझसे यह क्या भूल हो गई, और झेंप कर वापस जाने लगे। छह, ऐसा नहीं करना था, मैं कर दिया, वैसा मानकर उन्होंने, ऐसा मुड़कर उन्होंने जाना शुरू किया। तब देखो, तुम बीच में मत पड़ो बेटा, अगर चम्मच खोज गया तो तुम्हारी बाला से, सबका धर्म अपने अपने साथ है, एक चम्मच से कोई अमीर नहीं बन जाएगा। देखिए किस तरह माँ कहती है, जेब तो देखी इसकी, बाबूजी ने गरज कर कहा। देखो मंगलसेन का जेब को जरा ढूंढो। मौसिया जेब गई और पीछे हट गई। नाना, मैं तो उनके पास नहीं जाऊंगी, जेब को तलाश नहीं करूंगी। पर मनोरमा से ना रहा गया, झट आगे बढ़कर वह जेब देखने लगी। रसोई घर की दहलीज पर संतु हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया और मंगलसेन की ओर देखने लगा। चाचा मंगलसेन खड़ा, कभी एक का मुंह देख रहा था, कभी दूसरे का। वह कुछ करना चाहता था, सॉरी, वह कुछ कहना चाहता था, मगर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि उनको बातें करने के लिए ही समय नहीं दे रहे हैं। इसीलिए इनको बहुत मन ही मन गुस्सा, एक ना एक तरह हैरान विस्मित होकर जो कहना वाले जो बातों के वो भी भूल के चुपचाप खड़ा है। एक जेब में से मैला सा रुमाल निकला, फिर बीड़ियों की गड्डी, माचिस, छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा मिला। किसको? मनोरमा को। इस जेब में तो नहीं है, मनोरमा बोली और दूसरी जेब देखने लगी। मनोरमा एकाएक चीज निकालती और अपनी सहेलियों को दिखा दिखा कर हंसती। देखिए मेरे चाचा जी के हैं, हाँ, मेरे चाचा जी के जेब में क्या क्या है, देखिए जरा, ऐसा कहकर वो हंसती है। दाई जेब में कुछ खनका, खनका यानी आवाज आई। मनोरमा चिल्ला उठी, कुछ खनका है, उसी जेब में है, चोर पकड़ गया, तुमने सुना मालती, ऐसा जोर जोर से चिल्लाती है। जेब में टूटा हुआ चाकू रखा था, जो चाबियों के गुच्छे से लगकर खनका था। देखिए टुकड़ा हुआ चाकू और की बंच जो कहते हैं ना, वो दोनों मिलकर कनका यानी आवाज आई। छोड़ दो मनोरमा, जाने दो, सबका धर्म अपने अपने साथ है। आपसे सचमुच आपसे चम्मच अच्छा नहीं है मंगलसेन जी, लेकिन यह सगाई की चीज थी। अगर हमारे घर में जो रखा हुआ चांदी का चम्मच लेके जाए तो हम इतना चिंता नहीं करते थे, मगर सगाई का चम्मच है ना, इसलिए। मंगलसेन की
सांस फूलने लगी और टांगे कांपने लगी, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। अरे क्या हुआ, क्या हो गया, हे भगवान, हे राम, वैसा मन ही मन कहने लगा। और दोनों कान खोलकर सुन ले मंगलसेन, बाबूजी ने गरज कर कहा, मैं तेरे से 5 रुपये चम्मच के ले लूँगा, इसमें मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा, इज्जत वगैरह जो नहीं देखूँगा मैं, तुम 5 रुपये रखना ही है यानी देना ही है, दे दो बस, ज़्यादा बातें नहीं करना। मंगलसेन कड़े कड़े घिर पड़ा, ऐसा खड़े थे ना, ऐसा ही सिर चक्कर आके गिर गया। तब देखो मंगलसेन गिरा भी, अजी ओके भदाई बहन जी नीचे आंगन में से 3-4 स्त्रियों की आवाज एक साथ आ गई, घर के आजू बाजू में रहने वाली स्त्रियां भी उसी वक्त आ गई हैं। मंगलसेन गिरा भी अजीब ढंग से, उसको दोनों आंखों से देख नहीं सकते, वैसा गिर पड़ा। धम से जमीन पर जो जो पड़ा सो उकड़ू हो गया और पगड़ी उतर कर गले में आ गई। मनोरमा अपनी हंसी रोके ना रोक सकी। इस दृश्य को देखकर मनोरमा आप पेट को पकड़ कर ऐसा हंस रही है, रोक नहीं सकती। इसलिए देखो जी, कुछ तो ख्याल करो, गली मोहल्ला सुनता होगा, इतनी रुकाई से भी कोई बोलता है। माँ जी ने कहा, किसको, बाबूजी को। फिर घबरा कर संतू से कहने लगी, इधर आओ संतू और इन्हें चज्जे पर लिटा आओ। वीर जी फिर खिन्न सा अनुभव करते हुए अपने कमरे में चले गए हैं। मैंने जल्दबाजी की, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। इन्होंने चम्मच कहाँ चुराया होगा, जरूर कहीं गिर गया होगा। ऐसा ये दृश्य को देखने के बाद वीर जी को लग रहा है। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर में ढोलक बजने की आवाज़ आने लगी। मनोरमा और उसकी सहेलियाँ आंगन में कालीन बिछवा कर बैठ गई। ढोलक की आवाज़ सुनकर पड़ोसी ने घर में बधाई देने आने लगी। देखिए एन उसी वक्त गली वाले दरवाजे से, दरवाजे के पास एक लड़का आ खड़ा हुआ। संकोच वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाए या वहीं खड़ा रहे। मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया कि प्रभा का भाई वीर जी का साला है। भागी हुई उसके पास जा पहुंची और शरारत से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। आओ बेटा जी, अंदर आओ, तुम यहाँ पड़ोस में रहते हो ना? नहीं, मैं प्रभा का भाई हूँ। मिठाई का हो गया, मनोरमा ने फिर शरारत से कहा और हंसने लगी। लड़का सकुचा गया। नहीं, मैं तो यह देने आया हूँ, उसने कहा और जैकेट की जेब में से एक चमकता सफेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों वापस लौट गया, यानी दौड़ पड़ा। हाय, चम्मच मिल गया माँ जी, चम्मच मिल गया, कह रही है। पर माँ जी समधियों से गिरी कड़ी थी,
मनोरमा रुक गई और माँ से नजरें मिलाने की कोशिश करते हुए हाथ ऊंचा करके, देखो हाथ ऊंचा करके इस तरह हाथ ऊंचा करके चम्मच हिलाने लगी। चम्मच को कभी नाक पर रखती, कभी हवा में हिलाती, कभी ऊंचा फेंक कर हाथ में पकड़ती, मगर माँ जी कुछ समझ ही नहीं रही थी। छज्जे पर संतु ने मंगलसेन को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी का चींटा देते हुए बोला, तुम शर्त जीत गए, बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपये नकद तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। संतु मंगलसेन को इस तरह कहता है। इसी के साथ साथ खून का रिश्ता भीष्म साहनी जी लिखा हुआ कहानी समाप्त होगा। उसी तरह मैं भी मेरे नव युवक युवक युवतियों के हाथ में खून का रिश्ता नामक कहानी को पढ़ाकर समझाया गया है, इसलिए उसको ये कहानी को आपके हाथ में देकर, यानी उसको अच्छी तरह पढ़िए, मनन कीजिए, गंभीरता के साथ प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करिए, प्रयास कीजिए। अगले कक्षा में वो प्रश्न का जो उत्तर मैं बता दूंगा, ठीक है मेरे नव युवक युवतियों, धन्यवाद।